अपाहिज आश्रम जालंधर में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में 18 साल से अधिक के लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर ने बताया कि इस शिविर में 150 लोगों के लिए वैक्सीन आई थी, जिसे लोगों को लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागृति आई है और लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि अपाहिज आश्रम में हर हफ्ते वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए और अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर शगुन सेवक, रचना सेवक सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज 10वां कैंप लगाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और CMO जलंधर और सरकार वालों लगा है। असं वो लोगों को कहने कि इतने आ के यदा फायदा लिता जाए तो जी बीमारी है कोरोना में रोक किया जाए। देखो अज 150 डोज आई है, जी पहले लगते रहे 200 150 250 डोज आती रही है जी। अज कोवैक्सीन का कैंप जी, सानू तो यह रोज़ ही कैंप लाना चाहिए। असी DC साहब या CMO साहब को कहेंगे कि साढ़े को सारा स्ट्रक्चर है, तुम आग्ञा कर दौ तो साढ़े रोज़ ही इतने कैंप ला दे।